तो गाइस यहाँ बोर्ड लिखा गया कहाँ कहाँ पर जाती है, देखो श्रीनगर, किश्तवाड़, डोडा, श्रीनगर, पुंछ, रजौरी, श्रीनगर। इसके भाई को ना इतनी ठंड लगी है, मफलर वफलर ले रखा है। कितनी बड़ी बस है, मुझे लगता है ये तो अच्छी बस है, कंफर्टेबल बस है, ठीक है ना। टाटा तो बैठते हैं, शिकारा शिकारा को बोलते हैं हाय, आराम एक बार वहाँ भी मिलना, यहाँ भी मिलना। अंकल बैठ चुके हैं शिकारा में हमें छोड़ने के लिए, ड्रॉप करने के लिए। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। करते हैं नए दिन की शुरुआत। जैसे कि आपको पता ही होगा, कल हम हाउस बोट में रुके थे, धीमर भाई और एसके सोहेल भाई जो कलकत्ता से आए थे, उनको ना आज वापस ही जाना है। आज उनको जम्मू के लिए निकलना है, उनके लिए सुबह की कल सुबह की 7 बजे की ट्रेन है, ठीक है ना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल में नए हो सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन जरूर दबाना। सुबह हाउस बोट की खिड़की खोली, देखो क्या देखने को मिला, वो लोटस के पत्ते होते हैं ना, वो ही है ये सब, और कुछ ऐसा सीन है बाहर का। शाम को तो कुछ नजर नहीं आ रहा था, तो सुबह का टाइम दिखा रहे, देखो क्या नजर आ रहा है हाउस बोट, और देखो कितनी धुंध आ गई। निकलते हैं भाई, उनको उनको लेट हो जाएगा, पहुंचे उस पर, वो पहुंच गए। चलो फिर निकलते हैं, बंद करना कैसे होती है, खुद मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं। आप चलो, बहुत ही ज्यादा लेट हो गया, एसके सोहेल भाई ना बाहर जाके वेट कर रहे हैं, तो हम निकलते हैं फिर, ठीक है भाई। ठंडा बहुत ज्यादा यार। सोहेल भाई यहाँ के सुबह सुबह बैठ के न्यूज देख रहे हो? मोबाइल चार्ज हो रहा है। बैटरी लो रखी थी, तो कुछ ऐसा सीन है। अंकल गुड मॉर्निंग, ठीक है आप? बस सुबह सुबह इतनी ठंड होती है लेकिन माइनस होता है, आज तो बहुत बुरी हालत होगी हमारी, मगर रात को सोने का बहुत मजा आया। कमल गर्म हो गया ना भाई। और एसके भाई आप जा रहे हो आज, चलो हाथ मिला दो एक बार, ठीक है ना। तो गाइस ये रहा अपना हाउस बोट, सुबह सुबह का व्यू चेक करो, देखो अभी अभी सनसेट हुआ, अभी ना बहुत ही ज्यादा ठंड है, तो देखो क्या लेके जा रहे हैं शिकारे में। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या लेके जा रहे हैं, सो कुछ ना कुछ तो लेके जा रहे हैं। और सुबह सुबह ना इतना ज्यादा धुंध होती है, इतनी ज्यादा ठंड होती है। ये रहा अपना हाउस बोट, ठीक है ना, एक्सपोर्ट इनका नंबर भी लिखा है, अगर अब चाहिए होगा आपको तो। मेरे को बहुत सारे डीएम करके पूछ रहे थे हमें श्रीनगर आना है, हम सिम निकाल के दो, रूम के बारे में भी कंफर्म दे देते हैं। देखो एक्सपोर्ट गेस्ट हाउस मिल जाएगा बहुत ही अच्छी रेट में, ठीक है ना, यहाँ पर आके खुद बात कर लेना, ठीक है। अंकल बैठ चुके हैं शिकारा में हमें छोड़ने के लिए, ड्रॉप करने के लिए, ठीक है ना। ये ना अंकल का पर्सनल शिकारा है, मतलब अपने यूज़ के लिए है, अपने अप डाउन के लिए है। तो देखो एसके सोहेल भाई पहले ही बैठ गए, भाई इनको निकलने दो बाहर, पहले कहाँ बैठ गए। अगर यहाँ पर रोड होता है ना, देखो यहाँ पर कैसे रोड बनाया गया, रोड नहीं है, लकड़ी के रोड बनाया गया चलने के लिए, अप डाउन करने के लिए। पीछे घर वर होगा इनका, जिनका हाउस बोट है ना उनका पीछे ही घर है। देखिए शिकारा में ही शॉप है, मतलब ज्वेलर्स की होगी, वैसे कोट रेनकोट, रेनकोट नहीं कोट वोट हो गया ना जो विंटर में लगाते हैं, वैसे ये कुछ बेचते हैं शिकारा में। ड्रीमर भाई भी बैठने चले गए, अब मेरा भी बैठना ज़रूरी है, ठीक है। हिलता है हाउस बोट को बोलते हैं टाटा, तो बैठते हैं शिकारा, शिकारा को बोलते हैं हाय, आराम से। देखो सुहेल भाई कैसे पकड़ते हैं, शिकार भाई हिल जाता है पूरा। इसके भाई को ना इतनी ठंड लगी है, मफलर वफलर ले रखा है, पूरी जाने की तैयारी में हो गए। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं अपने घाट नंबर 6 पे, वो रहा लिखा हुआ है वहां पर घाट नंबर 6, क्या ही उतरना है। पहुंचे हम अपनी डेस्टिनेशन पे जो कि घाट नंबर 6। मेरे को छोड़ा, ये है घाट नंबर 6, आ जा बे, हेलमेट लिए, हेलमेट। तो गाइस अंकल ने छोड़ दिया है वहां पे, ड्रॉप कर दिया घाट नंबर 6 पे। तो ड्रीमर भाई और साहिल भाई ना वो स्कूटी लेने गए बाहर, ठीक है ना। आप पता नहीं स्कूटी पे 3 बंदे जा सकेंगे नहीं जा सकेंगे, तो एसके सोहेल भाई को ना आज जुदा करना है, मतलब जुदा नहीं करना, उसे छोड़ना है, वही बोलता है जुदा करना है। वो फिर कभी आएंगे तो हम भी उनके पास जाएंगे कभी, तो आते हैं, जब तक आते हैं उनके लिए थोड़ा वेट करते हैं, ड्रीमर भाई के लिए और एसके सोहेल भाई के लिए। सभी चल रहे हैं डलों की रोड में, और शिकारे चल रहे हैं, और अभी देखने का ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा शिकारे को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है ना, और टूरिस्ट ना बहुत ही ज़्यादा आ रखे हैं। विंटर में मैंने पहली बार इतने ज़्यादा टूरिस्ट देखे थे कसम से, आप चेक कर ही सकते हो, ये देखो सामने कितने हैं, वही देखो अभी तो बैग नए नए आए हैं, सब हाउस बोट में जा रहे हैं। सोहेल भाई आ चुके हैं, जीवन भाई स्कूटी लेके आ चुके हैं, चलो आज के स्कूल में पहले मैं बैठूं, तो मैं पहले मैं बैठ जाता हूँ, फिर आप बैठो। अभी हम जान बेकरी आ चुके हैं, सोहेल भाई पता है क्या बोल रहे हैं, कुछ बेकरी लेनी है घर वालों के लिए, क्या लेनी है, बेकरी आइटम लेना है, बेकरी आइटम घर वालों के लिए लेना है, आ जाओ आपको दिलाते हैं, आ जाओ। तो रुको रुको
चलो आ जाओ आ जाओ। ये देखो सोहेल भाई ने 10 किलो का बैग 50 किलो का बैग उठाया एक साथ। यहाँ से कुछ बैकरी लेनी है हमें। कौन सी बैकरी लेनी भाई? यहाँ पर तो मिठाई मिलती है, आगे बैकरी मिलती होगी। तो फिलहाल क्या लेना है अभी? अभी फिलहाल यहाँ से केक ले लो, बाकर खानी आगे से ले लेंगे। ठीक है ले लो ना। गाइस बेकरी आइटम सारी ले ली है ना, तो एक्सक्यूज मी भाई पकड़ो, अब घर जाके धूम मचा के खाना है। सोहेल भाई की टैक्सी आ चुकी है। सोहेल भाई चले फिर गले मिल ले एक बार, और सोहेल भाई से गले मिलते हैं। सोहेल भाई चलो आराम से जाना है, जाओ जाओ। चलो भाई फोन करना, फोन कर दियो। इसको डालो, ये कुछ बता रहा है। चलो सोहेल भाई, एसके भाई बाय बाय, आराम से जाना है। चल भाई। तो गाइस अगर आपको जम्मू जाना होगा, यही टूरिस्ट सेंटर जम्मू जाएगी, लद्दाख जाएगी, हर जगह जाएगी, ठीक है ना। तो गाइस एसके सोहेल भाई को छोड़ दिया, तो हम कर रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट, वो भी बस स्टैंड के पास, ठीक है ना, टीआरसी के पास कर रहे हैं। तो करते हैं ऐसे, फिर मिलते हैं आपको, ठीक है। गाइस श्रीनगर से ना टेम्पो भी जाती है, टेम्पो ना बहुत ज़्यादा सस्ती जाती है, श्रीनगर से यही 700-800 जाती है। जम्मू से ना ज़्यादा रेट नहीं है, कोई 500 में 600 में 400 में ही आ रहे हैं जम्मू से, क्योंकि ज़्यादा टूरिस्ट ना श्रीनगर से ही जा रहे हैं। वापस यहाँ से ना 1500-1600 रुपये की गाड़ी जा रही है, तवेरा वाली 1600 रुपये की गाड़ी जा रही है, बहुत ज़्यादा महंगी जा रही है। तो यहाँ से बस की टिकट करने कन्फर्म करने की पता करते हैं, आपको भी बताते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ बोर्ड लिखा गया है कहाँ कहाँ पर जाती है, देखो श्रीनगर किश्तवाड़ डोडा, श्रीनगर पुंछ रजौरी, श्रीनगर लेह करगिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, श्रीनगर हर जगह जाती है ना, हर जगह। ये क्या लिखा हुआ, श्रीनगर जम्मू एसी नॉन स्टॉप एसी, श्रीनगर दिल्ली एसी नॉन स्टॉप एसी, श्रीनगर अमृतसर, श्रीनगर चंडीगढ़, श्रीनगर अजमेर जयपुर, सब जगह जाती है, ठीक है। ये जो बसेस है ना यहाँ पर, इसकी 830 रुपये रेंट है श्रीनगर से लेके जम्मू तक, जम्मू से लेके श्रीनगर तक ना इतनी ज्यादा रेंट नहीं है जितनी कश्मीर से अभी रेंट जा रही है, क्योंकि सारे टूरिस्ट ना कश्मीर आ रहे हैं, है ना, ऐसा ही है ना। कश्मीर नहीं आ रहे हैं, यहाँ से बाहर जा रहे हैं, और यहाँ से बाहर जा रहे हैं, श्रीनगर से बाहर जा रहे हैं, वहाँ से अभी ज्यादा लोग नहीं आते ना। हाँ। कश्मीरी लोग या टूरिस्ट ना अभी वापस ही जाते हैं, बहुत ज्यादा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ना भी डिमांड ज्यादा है, यहाँ से भी रेट ज्यादा है, वहाँ से भी कम रेट है। आपको पता है पहले जो SRTC बस होती थी, जो अब SRTC बस, वहाँ से रेट ज्यादा, अच्छा सर्दियों से यहाँ से ज्यादा होती है। और आपको पता है जो पुरानी SRTC बस होती थी, और नहीं देखो कितनी प्यारी आ चुकी है ना। गाइस आपको ना एक चीज बता देता हूँ, सर्दियों में ना श्रीनगर से बहुत ही ज्यादा रेट जाती है, समर्स में ना जम्मू से रेट जाती है बहुत ही ज्यादा, ठीक है ना, यही अपडेट देना चाहता था। और रेट ना बिल्कुल सस्ती है, SRTC बस की 830 रुपये की है, चाहे वो समर हो चाहे वो विंटर हो, खाली वो जो होती है ना टैक्सी वैक्सी होती है ना जम्मू के लिए, वो महंगी होती है। जम्मू से श्रीनगर ना सस्ती है, श्रीनगर से जम्मू अभी महंगी, जैसे आपको बताया। कितनी बड़ी बस है, मुझे लगता है ये तो अच्छी बस है, कंफर्टेबल बस है, ठीक है ना, ये ऐसी कुछ बस है। SRTC वाले को जान के देखो कितनी बसेस लगी हैं, बहुत सारी बसेस हैं, ठीक है ना, ये ऐसा कुछ बस स्टैंड है। तो गाइस आपको बता देते हैं, यहाँ पर दो बस है, एक नॉन एसी और एसी। जो नॉन एसी वाली बस है उसकी 500 टिकट है। अब आपको ट्रेन में जाने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से सफ़र कर लो। देखो एक दो घंटा एक्स्ट्रा ही लगेगा, मगर आप मज़े से जाओगे, बेफिक्र होकर जाओगे। और दूसरी जो एसी वाली है ना, उसकी 830 है, मतलब वो भी अपनी जगह अच्छी है, ये भी अपनी जगह अच्छी है। आप किसी को एसी पसंद होगा वो एसी में जाएगा, किसी को ज़्यादा ठंड लगेगी वो एसी में जाएगा, जिसको नहीं लगेगी वो नॉर्मल में जाएगा। तो यही अपडेट देनी थी आपको। तो बस 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 निकल गया। बस में ना एसी वाली बस में इमरजेंसी एग्जिट भी दिया हुआ है, कुछ कुछ हादसा होता है एकदम से ये खुल जाएगा। सो गाइस बता दूं, बस जब निकलती है ना वो तीन जगह रुकती है, एक रुकती है काजीकुंड, दूसरा रुकती है पीड़े जहाँ पर यहाँ के राजमा चावल और घी बहुत ज़्यादा मशहूर है, तीसरी जगह रुकती है संबोली जहाँ पर आप मिठाई ले सकते हो, कौन सी शक्ति स्वीट्स में जो मिलती है ना, प्रेम दी हट्टी की जो मिठाई मिलती है यहाँ पर, यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। तो गाइस जो पहला वाला रास्ता होता था ना पटनी टॉप वाला, इतना डेंजरस रास्ता होता था, मगर क्या होता था सुबह 8 बजे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सुबह 8 बजे निकलते थे ना हम, शाम को 9-10 बजे जम्मू पहुँचते थे। मगर आज के टाइम अगर श्रीनगर से जम्मू निकलेंगे ना, तो अगर मैं 8 बजे निकलूंगा ना, मैं 12 बजे काम करूंगा अपने जम्मू में, मेरा जम्मू में भी घर है अपना, तो सोचो कितना टाइम बचता है जो नया रास्ता बना है, ठीक है ना। और जो खुद की मिठाई मिलती है वो ना वो शिफ्ट हो गई है, पहले पटनी टॉप के रास्ते से मैं आती थी, वो मिलती है आपका संबोली में। और देखो ना कितना ज़्यादा टाइम बचता है इस रास्ते से, पटनी टॉप से भी आ सकते हो अगर आपको इन्जॉय करना है पटनी टॉप का रोड, वहाँ पर भी आ सकते हो, वहाँ से भी आ सकते हो। मगर अगर आपको अपना टाइम बचाना है,
जो नया रास्ता बना है उधर से आ जाओ। भाई देखा कितना फायदा हो गया नए रोड से बनने से। अभी कब का हो गया, 2-3 साल से हो गया, अभी और होता जाएगा। हाँ अभी जो लैंडस्लाइड ब्लाइंड होता है सीधा और ये जो लैंडस्लाइड होता है ना, ये जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। मगर यही टेंशन देती है हमें अभी ना, खाली पहले ना वो जगह पे वो गिरता था क्या, तो लैंडस्लाइड ये सब होता था। अभी खाली राम मंदिर ये सब के पास वो टेंशन मतलब थोड़ा बहुत कम हो गया है, अब वो भी कम हो गया है। चलो फिर एक होता है ना, एक दो दिन के बाद क्लियर हो जाता है, पहले ना एक हफ्ते के लिए वहां पे बंद हो जाता था। सो गाइस पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी आपको, बस कैसे निकलती, कितने में निकलती है, चीपेस्ट रेट में। तो फिलहाल अभी मेरे को ना बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, जैकेट लगा के भी ठंड लग रही है, क्योंकि धुंध है ना यहाँ पर। धुंध में जब होती धुंध होती है ना, यहाँ पर फॉग होती है ना, बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो फिलहाल घर जाते हैं, बाकी बातें वहीं करते हैं, ठीक है ना। दिन भाई को यहीं पर सलाम, टाटा टाटा बाय बाय, घर मिलते हैं। ओके गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज। पता है क्या है, मेल एंड फीमेल बस गाइड चाहिए, कंडक्टर Is going a new electric bus running under Srinagar Smart City. उसी को कंडक्टर चाहिए, क्वालिफिकेशन 12th पास, और उसको आना चाहिए ऑपरेट करना जो स्मार्टफोन ये सब है ना, आधार कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन ये सब होनी चाहिए। तो चलो हम जॉब में जाते हैं, चलो 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 चलो। सो गाइस फाइनली वापस आ चुके हैं घर, शाम को रुके थे हम हाउस बोट में, सुबह वापस आए। सोहेल भाई को छोड़ना था टूरिस्ट सेंटर में, क्योंकि उनको जम्मू के लिए निकलना था, उसको वापस गुजरात निकलना था। वो जम्मू अभी तक पहुंच गया, अभी कॉल की थी उनसे, बात बात अच्छे से हो गई है, ठीक है ना। तो क्या हुआ फिर, हमने सोचा टूरिस्ट सेंटर में आई है तो आपको यहाँ की थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, कितने की बस निकलती, कितने बजे निकलती। ये नहीं बताया कितने बजे निकलती, ये बताया आपको बस की फैसिलिटी कैसी है, प्राइस क्या है, 850 एसी वाली, नॉन वाली 500 वाली, ठीक है ना। तो बाकी इस वीडियो को यहीं पर एंड कर लेते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद नहीं होगी, अगर पसंद नहीं होगी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नई से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।